हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। आज बनाकर दिखाया है मैंने पंजाबी राजमा। तो देखिए, इस रेसिपी को आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं पंजाबी राजमा किस तरीके से बनाया है, और ये देखिए कितना मस्त बना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने राजमा को 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और ये लहसुन लिया है, और ये अदरक है, और यहाँ पर 4 प्याज है, और 3-4 हरी मिर्ची हैं, 2 टमाटर हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2-3 ये सूखी लाल मिर्च है जो ये भी ली हैं, और इन्हें भी मैं बाद में डालूँगी छौंक लगाते वक्त। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्याज को इस मिक्सी के अंदर थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेती हूँ मैं, और लहसुन और अदरक को भी, और टमाटर की भी एक प्योरी बना लेती हूँ इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये प्याज और अदरक और लहसुन को मैंने रफली काट लिया और इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए, मैं इसका एक इन सभी को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पर ये जो लाल मिर्ची है इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने इन सभी को पीस लिया है, और ये राजमा को भी धो लिया है अच्छी तरीके से, और ये टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने रफली काट कर इसके अंदर डाल लिया है। इसको भी मैं हल्का सा थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी, और यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, इसमें तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तब तक मैं ये टमाटर है जो इसको पीस लेती हूँ, यहाँ पर टमाटर है जो इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया इसके अंदर, और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच, और साथ ही मैं ये जो मैंने अदरक लहसुन प्याज को पीसा था इसको भी अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी मैं, जब तक ये गोल्डन कलर में ना आ जाए। इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर 3-4 मिनट बाद है जो ये प्याज और लहसुन है जो ये भून चुका है, और मैं अब ये टमाटर की जो ये प्यूरी बनी थी ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, हरी मिर्ची और ये टमाटर है जो, इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक इसको बिल्कुल पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। और ये मिर्च है जो ये भी मैंने डाल दी है, इनका एक अलग ही टेस्ट आता है जब इन मिर्चों को इस तरीके से पीस कर डालते हैं। तो देखिए, इन सभी को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 मिनट बाद ये जो ऑयल अपने आप छोड़ने लगा है, ये भून चुका है टमाटर अच्छी तरह तरीके से। और यहाँ पर देखिए, मैंने मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, नमक, और ये सौंफ का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छा सा मिक्स करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये सूखे मसाले हैं जो जले ना, और ये अच्छे से भून जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके 1/2 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा मसाला है जो भुनकर तैयार हो चुका है, और अब मैं ये राजमा है जो इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से ला लेंगे इसको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और यहाँ पर मैं 1 लीटर के आसपास पानी डालूंगी इसके अंदर, और 4 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी मैं, 4 से 5 सीटी आने तक। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, अभी आपको ये पानी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये 4-5 सीटी आने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी ग्रेवी वाली राजमा बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं अभी इसका ढक्कन बंद कर इसको रख देती हूँ।
और ये देखिए यहाँ पर सब्जी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है राजमा। तो देखिए ये देखिए कितनी गाढ़ी सब्जी बनी है, गाढ़ी तरी बना है राजमा। तो आप चाहे तो इसमें गरम मसाला और धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ये चना मसाला डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, तो आपको मेरी ये बनाने की ट्रिक पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब।